गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सा सभी को। तो कैसे हो दोस्तों आप? तो गाइस आज जर्नी स्टार्ट हो जाती है मेरी गुजरात दाहोद के लिए। तो अभी कुछ मिनटों में मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा, वहां से ट्रेन पकड़ूंगा और वाइफ जो है तैयारी कर रही है, बैग पैक कर रही है, खाना वाना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लोग, लेट्स गेट स्टार्ट। मैं ना 4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? 4 दिन बाद आऊंगा। हमारा ठीक है, एक लड़ नहीं बेटा, मेरे को अकेले जाना पड़ेगा इतनी दूर। हाँ हाँ ठीक है, चल ठीक है, लड़ना मत आपस, लड़ना मत आपस में। जा रही हूँ ठीक है, हाँ स्टेशन तक छोड़ने तो चलोगे तुम मेरे को? स्टेशन तक चलो ठीक है। तो गाइस मैंने ना ये 2 लीटर की पूरी बोतल जमा लिया, पूरे बर्फ जमी पड़ी इसमें, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, लगभग 15-16 घंटे का। ठंडा पानी चाहिए होगा तो बर्फ़ जमा ली इसलिए मैंने, तो इसको लेके चलेंगे क्योंकि ये ना ये बहुत मस्त नीडेड है, पानी की बहुत दिक्कत आती है गर्मी में। ध्यान रखना हमारा, जा रहा हूँ ठीक है, चलो जा बच्चों। स्टेशन तो आ चुका हूँ 9:18 पर, ट्रेन का टाइम है 9:45 और ट्रेन बस आने वाली है, तो ट्रेन बिफोर टाइम है, आधे घंटे पहले आ चुकी ट्रेन। गाइस इस वक्त मैं जयपुर स्टेशन पे आ गया हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, ये है कि मेरी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट में है, तो वो टिकट ऑटो रिफंड होगी। और दिक्कत है कि अब यहाँ से ट्रैवल कैसे करूँ बिना टिकट के, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। टिकट जो कंफर्म नहीं हुई उसमें भी पैसे कट के वापस पैसे आएंगे, और यहाँ से अब पता नहीं टिकट का क्या होगा। चलो देखते हैं, वो टीटी से बात करते हैं। रेलगाड़ियाँ जाती हैं, ये न जाने कितने सपनों और कितने लोगों को लेकर जाती हैं। इस पर कुछ लिखा था कि कितने रास्तों से मिलाती हैं ना ये गुजरती हुई ट्रेनें। कोई अरसे बाद घर जाता है, कोई घर से बिछड़ जाता है, कोई सपने संजोने जाता है, तो कोई मजबूरी ढोने के लिए। प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं सबके लिए, बस सफर ट्रेन के डिब्बों की तरह बिल्कुल अलग अलग होता है सबका। तो कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा शुभ हो। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी हम नागदा स्टेशन पे हैं और शाम की चाय पी रहा हूँ, और ट्रेन चल दी भैया, मैं से बैठने वाला हूँ, बाय चलते हैं। तो गाइज 10:32 हो रहे और मैं फाइनली दाहोद में हूँ। सुबह 9 बजे का चला, अब आके पहुँचाऊँ, और यहाँ पे मेरी जो टीम है वो वेट कर रही है मेरा, क्योंकि उनकी ट्रेन मुझसे कुछ 15 मिनट पहले आ रही, तो अभी उनसे मिलते हैं, कहाँ हैं वो। तो गाइज ये है मेरी टीम, पहुंच गए, आगे सर आगे, नहीं हमारे कैप्टन साहब, हेलो भैया। ये तिरंगा लहरा रहा है दाहोद सिटी के बाहर, और ये टीम ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, हम यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं ये ऑटो वालों की इंतजार कर रहे हूँ, किसमें जाने वाले भाई। ये है वो स्कूल जहाँ पे मैं स्टे करने वाला, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ना हर चीज़ गुजराती मिल गई, तो एंट्री करने से पहले यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है, और ये हमारी टीम है पूरी, ये ऑलरेडी इंडिया खेले हो महावीर जी। गाइस ये है हमारा स्टे, पूरी टीम इसी में रुकी हुई है, ऊपर से पंखे हैं और कुछ नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है अपने आप में। गाइस अब रात के लगभग रात के बज चुके हैं 11:44, और अब हम सोने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, इस व्लॉग को करते हैं। टिल देन सी यू लेटर गाइस, राम राम से सभी।